हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश पांडे है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल। यूनिक सिविल मीन्स मेक योर सेल्फ यूनिक इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ा मेरा हेल्थ ओके नहीं था, इसके लिए पहले तो सॉरी। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम लोग हैच कमांड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और एक ड्राइंग बनाएंगे, साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियोस को देखा है आपने, तो आपको पता होगा कि आपको समझ आ रहा होगा चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मीन्स 4 लेक्चर हमने किया, 5वां लेक्चर उसके ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको पूरा ऑटोकैड सीखना है, तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो और ये 5वें लेक्चर तक करो। जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हैच कमांड, हैच कमांड क्या होता है? हैच मीन्स होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए कोई एक पैटर्न डालना, कोई एक कलर डालना, कोई एक कलर मिक्सअप डालना, दैट इज कॉल्ड हैच। हैच के से बेसिकली 3 टाइप होते हैं, पैटर्न, ग्रेडियंट, सॉलिड। चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं इनको। सपोज जस्ट एक रेक्टेंगल फ्रॉम हियर एंड देन जस्ट लाइक क्लिक लाइक दैट। वंस अगेन just want to click here, don't be all there, it's not good for this condition. Okay, now we'll start. So first of all, hatch here, and then you can see your hatch box is open here. There are 3 types of hatch. अब इसमें से कौन सा कहाँ पे यूज करोगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक सॉलिड कहाँ पे यूज करोगे, ग्रेडियंट कहाँ पे यूज करोगे, और पैटर्न कहाँ पे यूज करोगे, या यूजर डिफाइंड कहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, यूजर डिफाइंड मीन्स होता है कि अगर हमने खुद से डिफाइन किया है कि यह पैटर्न ऐसा रखेंगे तो वो है। वो जनरली हमें सॉलिड यूज करना है, तो सॉलिड कहाँ यूज करोगे? सॉलिड यूज करेंगे कोई मैकेनिकल कंपोनेंट बनाए या कोई एक कंपोनेंट बनाए जिसका एक फिक्स कलर है। आप कलर का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, इस केस में जस्ट गो टू सॉलिड एंड चूज योर कलर विच वन यू लाइक। सपोज आपका जो एलिमेंट है वो व्हाइट कलर का है, और इस तरीके से आप जैसे व्हाइट करोगे, ये देखिए आपके कलर पेंट हो गए, करेक्ट है? ओके, अब मान लीजिए आपने एलिवेशन बनाया। वैसे में मेरे एलिवेशन और सेक्शन का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक विंडो बनाई, यू लाइक कि ऐसा मैं दिखाऊं कि विंडो जैसे दिखे। अभी विंडो जैसा नहीं दिख रहा है, इसके बीच में अगर ग्लास लगा दे तो विंडो जैसे दिखने लगेगा। ठीक है, उससे लगाने से पहले एक थोड़ा सा मैं इस पे कलात्मक स्थिति पैदा कर देता हूँ, ऑफसेट एंड डैप। आप लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसमें हेल्प लेना चाहते हो, तो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई सर्विस नहीं है। आप अगर हेल्प आपको थोड़ी बहुत चाहिए, तो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, और जो हो सकेगा हम आपको, अगर हमारे पास उससे रिलेटेड कोई सैंपल होंगे तो। चलिए, व्हाट इज दिस, मैंने हैश सही से नहीं यूज किया, तो देखिए क्या होगा। कभी कभी ऐसे ऑटोकैड अलर्ट आ जाएगा, अब इसके बाद मेरा ऑटोकैड बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं, मैं आपसे बात कर रहा था तो गलती से कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, चलिए ओके, देखते हैं बंद हो गया। फिर से हम लोग इसको, प्रॉब्लम नहीं है बट आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो इससे बेटर कि जब आप हैच कमांड को यूज करें तो आप उसी टाइम पे डाटा को सेव भी कर ले, मतलब अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर ले। पता चला आपका बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, मेरा तो छोटा सा था, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके रिलेटेड आप ऐसा कर सकते हो कि सेव करके रखो, नहीं तो अगर बंद हुआ तो अच्छी खासी मेहनत चली जाएगी ना। चलो कोई बात नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्किल लिया, और सर्किल लेके दोस्तों हमने इस तरीके से 2-3 सैंपल्स बना लिए। बताता हूँ क्यों बनाया, जिसे मैं आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखा सकूं। ठीक है, जैसे एच यहाँ पे हमने गए और यहाँ हमने आकर सॉलिड, सॉलिड पे जाके कोई एक कलर में प्रेजेंट कर दिया, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम किया था। अब मुझे दिखाना है कि ये विंडो है, क्या ये विंडो है? विंडो में क्या होगा कि ग्लास लगेगा, तो ग्लास कैसे शो करोगे?
मतलब ऐसा जरूरी नहीं था आप ग्लास ही लगाओ, लेकिन जनरल केस में हम ग्लास ही दिखाते हैं एलिवेशन में, ठीक है। तो इसके लिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स होता है मिक्स अप ऑफ टू कलर्स, ब्लाइंडनेस ऑफ टू कलर्स। देखिए इसके इतने पैटर्न्स हैं, आपको अगर ग्लास ऐसे लगाना है लीजिए लगा दीजिए, अगर ऐसे लगाना है लगा दिया हमने, नहीं हमको चेंज करना है, देखो चेंज भी हो गया, नहीं हमको और अच्छा चेंज करना है, देखो चेंज हो गया, और अच्छा चेंज करना है, देखो चेंज हो गया। मीन्स आप जो पैटर्न ले लोगे दोस्तों, वो पैटर्न सपोज ये पैटर्न चाहिए, देखो प्रॉपर ये पैटर्न आ गया, ठीक है, और ये आपका इसमें भी आ गया और इंटर कर गया आपने, तो समझ आ गया होगा ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, राइट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एच मीन्स जो सबसे ज्यादा काम लगने वाला है वो है पैटर्न का। पैटर्न इन द सेंस कि आपको दिखाना है किसी भी चीज का कट, डायगोनली कट, जैसे कि ब्रिक का, कंक्रीट का, सैंड का, अर्थ का, बहुत सी चीजें, ठीक है। तो अब जैसे ब्रिक का दिखाएंगे तो ये देखिए ब्रिक के लिए हम इसको यूज करेंगे क्योंकि ये डायगोनली कट है, कंक्रीट के लिए हम इसको यूज करेंगे, और इसके बाद नीचे आएंगे तो हम लोग के पास सैंड के लिए भी होगा। यहाँ पे देखो सैंड के लिए ये है हम लोग के पास, अगर ब्रिक ऐसे सामने से रखी हुई है तो हम लोग इस तरीके से ब्रिक को शो करेंगे, क्ले को इस तरीके से शो करेंगे, और अर्थ को इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग शो करेंगे। अब ये देखिए ग्रेवल को ऐसे शो करेंगे, इसको ऐसे। अब चलिए इसमें से कोई एक पैटर्न ले लेते हैं हम आपको दिखाने के लिए, जैसे हमने ये लिया और ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, आपको सर ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये और ये तो सेम दिख रहे हैं, नहीं भाई सेम नहीं है, इसका जो लाइनिंग है ना इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसके स्केल को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको कर दिया हमने 10 times, प्रॉपर दिखने लगा। आपने कहा सर इधर भी मुझे लगाना है, मैंने कहा लगा दो। अब जैसे तुमने वहां पे क्लिक किया देखो क्या हो गया, अंदर वाला गायब, और फिर आपने कहा नहीं मुझे यहाँ भी लगाना है वो भी गायब, हो गया ना टेंशन, ठीक है। तो आप ऐसा केस जब रहेगा तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। उससे पहले आप देख लो यहाँ पे स्केल ये होता है, अगर आपको इसका एंगल चेक करना है, चेंज करना है, लाइक ऐसे नहीं कट करना, सीधे सीधे कट करना है, तो यहाँ से ऐसे आप एंगल बढ़ा दो, ये देखो बढ़ रहा है एंगल, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ डाल दो 45 इंटर, स्ट्रेट हो गया 0 इंटर, डायगोनली हो गया, ठीक है। और ये होता है ट्रांसपेरेंसी, ये आप ट्रांसपेरेंसी इसमें भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज करते हो, मतलब ग्रेडियंट में भी, पैटर्न में, हर जगह। ट्रांसपेरेंसी को जब ऑन कर देंगे यहाँ पे तो ये चीजें हमको हल्की दिखाई देगी, एकदम तो हल्की हो गई, 90% तक हम लोग ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के बाद जो चीज याद रखनी है आपको ये है, क्या है ये ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, कई लोगों के यहाँ पे मॉडल बॉक्स में नहीं होगा तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर जाके ये ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर दीजिएगा, जैसे ऑन करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। अगर ये ऑफ रहा तो आप कितनी भी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करो फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बट अगर ये हमने ऑन कर दिया और हमने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया तो क्या होगा कि वो थोड़ा यूज होने लगेगा, मीन्स वो दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन का भी बहुत ज्यादा यूज है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे तीनों ब्लॉक में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये हम लोग उससे बाहर आते हैं और हमने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जाइए और यहाँ से हैच लिया तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए माउस से, और यहाँ पे आएगा क्या सेटिंग, सेटिंग में आइए और सेटिंग में आके आप देखें तो यहाँ पर आप सब कुछ सही कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ इन द सेंस कि आपको पैटर्न कैसा रखना है, ये देखिए यहाँ पे कलर्स भी हैं, पैटर्न के कलर क्या रखने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं पैटर्न है, मतलब कि ब्रिक लेना है, ब्रास लेना है, आप यहीं से चूज कर सकते हो, ठीक है। और इसको बड़ा करके देखिए यहाँ पे, बड़ा यहाँ पे जिससे क्लिक करेंगे मोर ऑप्शन पे, यहाँ देखिए अभी क्या सेट हुआ है आउटर, हमें क्या चाहिए था तीनों पे चाहिए था, अगर नॉर्मल चाहिए मतलब फर्स्ट पे चाहिए थर्ड पे चाहिए तो ये ले लो, आउटर चाहिए तो ये ले लो, और इग्नोर चाहिए तो ये ले लो, ठीक है। और ये लेने के बाद एंगल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्केल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है ये केवल पैटर्न के लिए नहीं है, अगर आप चाहे तो ग्रेडियंट के लिए भी ये सेटिंग कर सकते हैं, देखिए ग्रेडियंट आउटर में चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कलर क्या रखने, और कलर जरूरी नहीं कि यही दो कलर हो, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए इनको रेड कर सकते हैं, आप आपकी मर्जी है, ये रेड कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया, इसको भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। सपोज इसको हमको चाहिए ग्रीन कलर, ये देखिए ग्रीन कलर में आ गया, मीन्स हैच और ग्रेड मतलब पैटर्न और ग्रेडियंट के लिए दोनों के लिए सेम सेटिंग है। यहाँ से आपने इग्नोर कर दिया और ओके किया, अब जाइए आप प्रॉपर, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये देखिए करेक्ट समझ आया, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग इंटर। ये कमांड हमने क्यों पढ़ाई आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास एक ड्राइंग है जिसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, और क्या बोलते हैं चलिए इसको लोग फटाफट बना देते, थोड़ी सी टफ भी है आप लोगों को लगे क्योंकि अभी आप लोग नया नया उसको सीख रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो लेयर का है। लेयर में हम लोग सीखेंगे प्लानिंग कैसे करते हैं, और जैसे ही प्लानिंग हो जाएगी तो आप समझिए कि आप किसी को भी प्लान ड्रॉ करके दे सकते हो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। और साथ ही साथ जैसे ही प्लानिंग सीखा मैं आपको सेक्शन एलिवेशन, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन एलिवेशन सिखा दूंगा। और जैसे ही सेक्शन एलिवेशन सीखा आप एक तरीके से ड्राफ्टमैन की पूरी पोजीशन को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग पहुंचेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोजीशन पे, क्या करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ड्राइंग को बनाना। ये देखिए ड्राइंग है, ये देखिए मेरे पास क्या 272 और 80 का बॉक्स है, जिसको हम लोग 8 अंदर ऑफसेट हुआ है। और यहाँ पे 10 10 10 नाम के सर्किल यूज हुए हैं। कैसे पता, यहाँ देखिए लिखा हुआ 10 10 10 सर्किल। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी करके ऐसे ऐसे बनाने हैं। और इसके मिडिल का लिए यहाँ पे डिटेलिंग दिया हुआ, डिटेलिंग में क्या है, इनर वाला जो रेडियस है 8 है, आउटर अच्छा ये आर्क है, ठीक है, आउटर जो रेडियस है वो 12 है, और ये स्टार्ट इन रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ 40, आर्क लगा हुआ है, और उसके बाद हैच लगा हुआ है, चार हैच लगे हैं और ये बन जाएंगे कंप्लीट। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे बनेंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया 272 है ना, देख लो नहीं तो फिर पूरी ड्राइंग गलत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट किया और हमने इसको क्या कर दिया, ऑफसेट कितना 8, और फिर हमने लिया यहाँ से अपना वो यार 10 10 रेडियस या 10 10 10 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये देखिए बन गया। इसको हमने सेलेक्ट किया और कॉपी कर दिया, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी करने के बाद हम लोग इसको चलिए बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या किया, लाइन लिया, और लाइन लेके इसके मिड पॉइंट से एक लाइन इस तरीके से और तो ऑन कर लीजिए, और यहाँ से मिड पॉइंट से इसको सेलेक्ट किया। अब इसका एरे कराना है, एरे कराने से पहले मैं बता दूँ कितने एरे कराने हैं आपको। देखो 1 जहाँ जहाँ से कटिंग है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट, तो 12 कटिंग है इसमें। चलिए इसको एरे कर सकते हैं 12 टाइम्स, पोलर एरे पढ़ाया था मैंने आपको सेकंड लेक्चर में। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आइटम्स पे जाइए और यहाँ पर 12 लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इनर सर्कल्स भी है, कितने का है, एक तो 8 का है और एक 12 का है। ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे आर्क बना हुआ है, कौन सा, स्टार्ट इन रेडियस, कोई बात नहीं भाई, यहाँ जाइए और यहाँ पे देखिए आपको स्टार्ट इन रेडियस वाला आर्क मिलेगा। ये लेने के बाद हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, चलिए उल्टा बना दे, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, और 40 का चाहिए, 40 लिख के इंटर कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, मिरर कमांड लिया, और ये करने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके तोड़ दीजिए, कैसे, एक्स इंटर, एक्सप्लोड कमांड हो गया। ठीक है, एक्सप्लोड करने के बाद आप ट्रिम लीजिए और इसको उड़ा दीजिए ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, और आप अगर एक बन गया तो हमें तो उसे बताऊँ तो हमें किसी की शायद आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एक बन गया तो हमें, अगर हम सबको भी उड़ा दे तो अपना काम हो जाएगा, कैसे दिखा दें। ऐसे ही है ना सभी, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 सभी ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बता दो, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके पोलर एरे मिड पॉइंट कितने चाहिए, 4, फटाफट तैयार हो गई है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनको लेके चले यहाँ से, और अगर आप चाहें तो इनको हटा सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है अभी, तो अभी तीन की जरूरत है। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कॉपी कमांड, ये लिया, ये कॉपी कर दिया, अब ऑर्थो को ऑफ कर दिए तो बेटर रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑफसेट कर दिया,
ठीक है। और ये कॉपी होने के बाद आप क्या करना है, इसमें हैश कमांड फिल करना है, ठीक है। हैश देखिए फिल करना है, यहाँ पे डायगोनली वाला, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे कलर्स का, ठीक है। तो चलिए हैश कमांड फिल कर देते हैं। हैश के लिए यहाँ पे जाइए, यहाँ से हैश लीजिए, पहले यहाँ से सॉलिड ले लेते हैं, या पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमें चाहिए, जिसमें डबल क्रॉसेस हो, ये है और ये हमने इसमें फिल कर दिया। देखिए हैश कमांड से क्या होता है, थोड़ी सी हैश कमांड भारी होती है इसलिए टाइम लगेगी। अब देखिए कहीं ना कहीं ये मेरी ड्राइंग जो है ये पूरी की पूरी कहीं ना कहीं मिक्स है, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई एक लाइन है जो हटी हुई है और जिससे दूसरे लाइन्स भी इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ आ जाए तो भी मैं बताऊंगा क्या करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बताता हूँ, बट उससे पहले चलिए यहाँ पे हैश में, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं और सॉलिड लेके यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। और व्हाइट कलर लेके ये हमने भर दिया, ये भर दिया, ब्लैक नहीं भर सकते, ब्लैक ड्राइंग में क्यों हो सकता है, क्यों नहीं भर सकते आपको पता है। और इसके बाद हमने ये क्लिक किया, देखिए जहाँ पे भी मिक्सअप रहेगा वहाँ पे क्या करेगा, वो पूरे फिल करने की कोशिश करेगा जहाँ पे ओपन रहेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से भी देखना पड़ेगा ओपन है क्या कहीं पे, ठीक है। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद इंटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब दूसरा हैच कहाँ पे करना है, अब दूसरा हैच क्रॉस में करना है, बीच बीच में, ठीक है। तो उसके लिए पैटर्न है ये वाला, बट इसका एंगल जो है वो 45 है, इसका बताता हूँ कैसे करना है। ये हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आउटर भी बनाना है, ठीक है। अब इसकी अगर स्केल को बढ़ाना है, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके स्केल को बढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आप इसके लिए इतना ही रखना है, 20 करके प्रॉपर कर दें, बड़े बड़े देखने लगेंगे, और बड़ा स्केल करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आउटर में भरने, आउटर के लिए यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया, देख रहे क्या हो रहा है, पूरे में भरने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कि बी ओ इंटर कर दीजिए, इसके ऊपर बाउंड्री बना दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बी ओ इंटर, और इसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट करिए, आपने इसको ले लिया बाउंड्री में, देखिए क्या हो रहा है, बाउंड्री दोनों को मिक्स हो चुकी है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। तो क्या करिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लीजिए, रेक्टेंगल लेके इस पॉइंट तक खींच दीजिए, ठीक है। और खींचने के बाद इसको सिलेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट करके इसको भी सिलेक्ट करिए और इसको 2 मिनट के लिए कॉपी करा लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए इसको और यहाँ, ये तब जब आपकी बाउंड्री कहीं से रह गई है, खुली रह गई, ठीक है। और इसके बाद क्या करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हैच, हैच लेके आप प्रॉपर आप हैच कर दीजिए जैसा आपको चाहिए। ओ सेट, पता क्या हुआ, हमने सेटिंग में क्या कर रखा है, आउटर, ओ सॉरी, हमने कर रखा है इसमें इग्नोर, इसकी वजह से सब पे लग रहा था, हमें सिर्फ किस पे चाहिए, आउटर। ओ यस, यहाँ पे क्लिक कर दिया था आउटर, उसकी वजह से हो रहा था, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया अभी, तो ये देखिए यहाँ बन रहा है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक किया तो आगे बन जाएगा, पीछे का यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए इसका जो एंगल है ना, ये देखिए एंगल इसका 45 हमने कर रखा है, इसका हमें 45 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 0, ऐसे ही डायगोनल कट दिए, हमने कट कर दिया, ठीक है। और फिर इसको छोटा करके इसको डायरेक्ट लगा दीजिए आप, वहाँ पे हमने क्या कर रखा था, इग्नोर, जिसकी वजह से क्या कर रहा था, वो सब पे बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आर इंटर, और इसके बाद को वहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, आप लगाना है, सेलेक्ट करिए, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और ये करके यहाँ पे हमने मूव कमांड लिया, और मूव कमांड लेने के बाद इसका मिड पॉइंट पकड़ने की कोशिश करिए, मिल गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लेके इसके मिड पॉइंट रख दिए, और देखिए हमारे पास टाइम तैयार हो गई। स्केल बढ़ाना आपको पता है, सेलेक्ट करिए 20 टाइम्स, ये कट गया और इसे कर दिया, तो मतलब ये ड्राइंग आपकी इजीली तैयार हो जाएगी, करेक्ट है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने लाइन कमांड को यूज, सॉरी किस हम लोग अपने हैश कमांड को यूज करते हैं, और किस तरीके से ऐसी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को बनाएंगे, वैसे बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग नहीं थी, छोटी ड्राइंग है, बट अगर ऐसी ड्राइंग होगी तो कैसे बनाएंगे, ये भी हम लोगों ने देखा।
ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था ये सारी कमांड्स को, अगर आपको इन इन कमांड्स में से किसी कमांड में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर इसको आप फिर से बता दीजिए, तो मैं जरूर दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड जो अभी आपको लग सकती है, रिविजन क्लाउड। रिविजन क्लाउड क्या होता है? रिविजन क्लाउड होता है हमको कोई आपको एप्लीकेशन देना है, इन द सेंस कि अगर मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ और आप आर्किटेक्चर इंजीनियर हो, मुझे कोई एडवाइस देना है तो मैं क्लाउड के अंदर एडवाइस देता हूँ। जब कोई ड्राइंग को हम भेजते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन होता है ना, जैसे फेसबुक नोटिफिकेशन होता है, इससे मान लीजिए हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको एक नोटिफिकेशन देना है, इस तरीके से क्लाउड बना दीजिए। और क्लाउड बना के ये देखिए क्लाउड बना दिया हमने, और बस इसको ऐसे चलाना रहता है फ्री हैंड से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया, हमने क्या मैसेज दे दिया कि नीड मोर गैपिंग्स बिटवीन दीज हैचिंग्स, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतने हैचिंग से हमारा काम हो रहा है, कि दूर से देखो ऐसा हो रहा है, तो नीड मोर हैचिंग स्किल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे मैसेज लिख दो, आप यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके और यहाँ पे आपने बोला नीड मोर लार्ज स्किल इन हैच। मैंने ऐसा एक नोटिफिकेशन दे दिया, अब इसको बड़ा कर दो, स्केल कमांड मैंने आपको बढ़ाया था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये क्लाउड के अंदर है, तो मैं अगर आपको कॉल करके बोलूंगा देखो क्लाउड के अंदर मैंने एक मैसेज भेजा है, तो आप तुरंत ही दिमाग को लगा लोगे अच्छा क्लाउड के अंदर सर ने भेजा है, मतलब देखें क्या लिखा हुआ, तुरंत आप पढ़ लोगे। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया और ड्राइंग बहुत बड़ी सी है, भाई इतनी बड़ी तो ड्राइंग होगी नहीं आपकी, ठीक है, ड्राइंग बहुत बड़ी सी है, तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो मैसेज कन्वे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिविजन क्लाउड का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडिफाई में हमारी एक कमांड बच गई थी, मैं सोच रहा हूँ उसको भी इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। वो कमांड है हमारे यहाँ पे चैम्पर कमांड। देखिए क्या होता है चैम्पर कमांड, बहुत ईजी है। यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल लेके मैं चाहता हूँ यहाँ पे कट शेप लगे, क्या लगे, कट शेप लगे। तो कट शेप के लिए क्या करना है आपको, कट शेप के लिए यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके चैम्पर कमांड लगाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्टेंस डालना है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस डाला और डिस्टेंस डाल के मैंने लिख दिया यहाँ पे कि हमें 20 फर्स्ट डिस्टेंस, फर्स्ट लाइन जो है मतलब पहली लाइन जो है ये 20 चाहिए, दूसरी चाहिए 30, 20 इंटर सेकेंड लाइन का डालो, सेकेंड लाइन में चाहिए 30 इंटर। और फिर जैसे फिलेट में था राइट क्लिक करके मल्टीपल ले लेंगे तो कमांड चलती रहेगी, देखिए फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, स्पेसिंग ही नहीं बची होगी, ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा है इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आपका हैच नहीं लग रहा था, आप समझ जाइए कि वहाँ पे स्पेस नहीं है उतना जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा ये किस तरीके से लगाएंगे, इसको हमने कंट्रोल जेड कर दिया 2 मिनट के लिए, और फिर से हमने यहाँ पे लिया अपना चैम्पर कमांड, CHA इंटर शॉर्टकट की है, राइट क्लिक, और यहाँ पे जाके हमने लिया अब क्या एंगल, ठीक है। एंगल लेके हमने जैसे एंगल पे क्लिक कर दिया, और एंगल पे क्लिक करके हमने मान लो डाल दिया पहला डिस्टेंस डालना है, तो देखिए हम लिखा हुआ है स्पेस वाइज चैम्पर लेंथ ऑन फर्स्ट लाइन, तो हमने मान लीजिए फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस दिया 20, बहुत ज्यादा हो गया था, हमने कर दिया 10, ठीक है 10 इंटर। अब कर रहा है सेकंड चैम्पर लाइन, जो सेकंड वाला जो है उसका एंगल क्या चाहिए इससे, तो इससे एंगल चाहिए उसका 45 का इंटर, मतलब अगर मान लीजिए पहली लाइन ये है तो इस एंगल पे कटे वो 45 के एंगल पे, देखिए फर्स्ट सेकंड कट गया 45 एंगल पे, ठीक है। इस तरीके से 45 एंगल पे हम लोग आराम से कट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मुझे यहाँ चाहिए तो फिर से स्पेस बार दाब दो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो आपको पता है कि कमांड लेने के बाद अगर आपने डिस्टेंस डाल दिया उसके बाद यहाँ पे पॉली लाइन दाब देंगे तो पॉली लाइन से क्या होगा, चारों तरफ कट जाएगा, इससे मैंने कि फिलेट कमांड में बताया था। और ट्रिम कर देंगे तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट रहेगा और एक और चैम्पर बन जाएगा। तो ये था आपका, ये एक छोटी सी और कमांड बची हुई है इसमें जिससे हम लोग मॉडिफाई खत्म कर पाएंगे, तो वो है ब्लेंड करो। कुछ नहीं इनका काम, इनका काम कैसा है कि अगर आपके पास एक लाइन है ऐसे, ठीक है, मैंने इसको और तो कर दिया और इसके बाद एक लाइन और हमने क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक, आई वॉन्ट रिलेशन बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन एज अ करो, मतलब बाई करो आई वॉन्ट दिस रिलेशन, सो ब्लेंड करो। और ब्लेंड कर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक करिए और फिर सेकेंड लाइन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे देख रहे हैं अभी मैं क्लिक नहीं किया, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ, तो देखिए ऐसा हो रहा है। फिर हमने स्पेस वाला ले लिया, मतलब कमांड फिर से ले लिया, देखिए फिर से हो रहा है। अब बोलोगे सर मुझे ऐसे अटैच करना है, कर दो ना भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो,
आप इन दोनों से कर सकते हो। फिर मिनट को डिलीट कर दिया और इसको हमने ठीक से रखा तो देखने में अच्छा दिखेगा। कैसे, ये लिया ये, ये लेयर के बाद हमारे लेयर के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा ब्लॉक। और ब्लॉक में हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ब्लॉक देखेंगे, कैसे हम लोग ब्लॉक बनाते हैं और हमारे पास भी कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉक्स हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे ब्लॉक हम स्टोर करके रख सकते हैं। इवन ब्लॉक को हम लोग सेल करके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं उससे ब्लॉक के थ्रू। और नॉट ओनली इन दिस सॉफ्टवेयर, इन रेविट ऑल्सो एंड इन 3ds Max ऑल्सो। आप देखो कि बहुत से साइटें हैं जहाँ पे पेड ब्लॉक बिकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक कैसे बनाते हैं, तो आप इजिली उसको सही से सीख लीजिएगा और सीखने को मिल जाएगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और इसमें मुझे अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज एडवाइस दीजिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे और इम्प्रूव करके और ऊपर वाले लेवल तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। और भी कोई नए लेक्चर्स पढ़ने हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करिए और साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।